दरअसल क्या है कि कभी राहुल बाबा से भी मिलने कमलनाथ जी अच्छा लगेगा, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जब से इनने राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा का झूठ बुलवाया है, तब से जो उससे आँख ही नहीं मिला रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आँख ही नहीं मिला पा रहे, इसलिए मिलते ही नहीं है उनसे। जाके माफ़ी मांगे कि हमने किसानों से धोखे की बात झूठ बुलवा दी राहुल जी। देखो, मैंने अभी कहा कि जब से पिछड़े की पीठ में कांग्रेस ने छुरा घोंपा है, तब से हमारी पूरी पार्टी इस विषय को लेके सक्रिय है और परस्पर संवाद कर रहे हैं। और आप भी, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा में आ सकता है, तो उस विषय को लेके हम सब परस्पर चर्चा में। इसमें सुझाव की आवश्यकता क्या है, ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। ये दरअसल पिछड़ों की पीठ में जो इनने छुरा भोंका है कांग्रेस ने, जो उसके पाश्चाताप के तरीके हैं इनके, पिछड़े पूरे मध्य प्रदेश के जानते हैं कि इनके कारण से भाई भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में चली गई थी, आरक्षण के साथ चली गई थी, फार्म भर गए थे लोगों के, पैसे जमा हो गए थे लोगों के, इनने एसटी लगवाया। इसका जवाब देने की जगह भाजपा पे आरोप लगाना, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ उठती हैं।